परम शांति बाबूजी, बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वह बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर लोग जो है इस क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब में, पर आज हम आपके सामने लेके आते हैं। क्या पुत्र ही मोक्ष का कारण है? जैसे गीता में भी इस बात का खंडन किया गया है, पुत्र का ना होना कोई अपशकुन नहीं होता। अगर जिनके पास पुत्र भी है वो भी कहाँ मुक्त है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पुत्र हर्ष और विवाद का कारण हो सकते हैं, आप बताइए। देखो, ये भक्ति मार्ग का ज्ञान के कारण है कि पुत्र ही या माँ बाप को मुक्ति दे सकता है, राइट। तो इसलिए पुत्र ना होना अपशुकन मानते हैं या दुखी मानते हैं, और उसका मतलब अपशुकन करके उसका मुंह भी नहीं देखते, कई लोग तो ऐसा मानते हैं। जी, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये ज्ञान है। देखो, हर कोई आत्मा, चाहे पिता भी हो या पुत्र, इतने सारे धरती पर सबके पुत्र हैं आज तक, तो 99% तो सबके पुत्र होंगे आज तक तो लगभग। तो क्या इनको मोक्ष मिल गया क्या? पुराने 1000, 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराने जितने भी आज पितृतर्पण करा रहे हैं, तो भी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों भटक रही? भूत प्रेत बनकर भूत प्रेत होनी क्यों बढ़ रही है? तुम्हारे पितृ तो भूत प्रेत होनी बने हैं, कई 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 1000 साल पुराने, कई भूत 5000 साल पुराने भी हैं, 10000 साल पुराने भी हैं। अब वो परलोक पुनर्जन्म की बुक लिखो, उसमें कई जन्म झाड़ पर 5000 साल से बैठे रहते हैं, घर में 5000 साल पुराने भूत बैठे हुए हैं उसके पितृ। तो क्या उनको क्या स्वर्ग में पहुंच गया क्या? क्या उसको मुक्ति मिल गई क्या? अरे मुक्ति तो हर कोई आत्मा की अपने ज्ञान मार्ग में चलो। गीता में इसलिए कहा, तुम अपने स्वयं के जिम्मेदार हो, तुम्हारे कर्म बंधन तुम्हें अपने आप को ही लागू पड़ता है। और आपने अभी जैसे एक वीडियो बनाई कि हर आत्मा चाहे पापी हो, मगर हर आत्मा कर्म बंधन अपना चुकते नहीं कर सकती, तब तक वो मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं पा सकते। मतलब मोक्ष का कारण हमारे खुद के कर्म है, ना कि कोई और आत्मा। हमारे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वीडियो है, उस पर देखना। दूसरी एक भी वीडियो बनाई कि जैसे आत्मा खुद ही क्यों मुक्ति, हमारे अनेक वीडियो देखो। जी, तो अपने मुक्ति जीवन मुक्ति का कारण अपनी आत्मा खुद ही है, न बेटा या बेटी, न दे और दे के कोई संबंध नहीं, न अपना दादा या परदादा। तो आत्मा को सोचना चाहिए। अब तो ज्ञान मार्ग है, आज 21वीं सदी में दुनिया पहुंच गई है। अब वो ज्ञान मार्ग, जैसे लौकिक में भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, इसी तरह अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, परम ज्ञान, परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। तो ये ज्ञान, परम ज्ञान जो हम बता रहे हैं कि आत्मा ही खुद ही, आत्मा मुक्ति चाहती है तो आत्मा को इस पता होना चाहिए कि मेरे कर्म पाप, जो कर्म आत्मा में रिकॉर्ड है, कारण शरीर में हर बार बोलते कारण शरीर में पाप कर्म रिकॉर्ड है, जन्मों जन्म का, अनेकों जन्मों का पाप कर्म रिकॉर्ड है, इसमें कर्म बंधन से ही तुम्हें देह और देह के संबंधी मिलते हैं, बेटा या बेटी जो भी मिलते हैं, सुख या दुख उनसे मिलता है, देह और देह के संबंधियों से। तो उससे मुक्ति पाना चाहते हो, तुम मुक्ति चाहते हो या परमधाम जाना चाहते हो या जो चाहते हो तुम, तो तुम्हें आत्मा में चाहिए पावर। सत्युक्तेदा द्वापर कलयुग, घूमते घूमते आत्मा तमोप्रधान बन गई है। आत्मा में चाहिए परम प्रकाश, आत्मा चाहिए परम प्रकाश। तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर आ जाएगी, और आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो कारण से निचार्ज हो जाएगा, तो विकर्म विनाश हो जाएगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र अगर कंट्रोल में है तो और अच्छे कर्म करता है तो वो हर्ष का कारण है, लेकिन पुत्र अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो ही विवाद का जड़ बन जाता है, तो वही माँ बाप के लिए सुख और दुख का कारण बन जाता है। बाबूजी, यहाँ एक बात हम ये समझना चाहते हैं कि क्या हर्ष और विवाद बुद्धि का खेल, ऐसा क्यों कहा गया? हर्ष में जब सुखी होते हैं तब हर्ष करती है, राइट। हर विषाद, मतलब दुख का कारण होता है तो गमगीन अवस्था हो जाती है आत्मा। तो क्या ये बुद्धि का खेल है? मन, मैंने कई वीडियो में बोला है, मन के अंदर अनेकों जन्मों का कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़े संस्कार है, संस्कारों के कारण मन, बुद्धि और संस्कार जो हैं वो तुम्हें रुलाते हैं और हंसाते हैं। आत्मा को कौन हंसाती है और कौन रुलाती है? क्योंकि अपने ही कर्म आत्मा को रुलाती हैं, और आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार पड़े हुए हैं, और मन बार कभी कभी बार एक सेकंड में मन रोता है और एक सेकंड में हंसता है, कई बार देखो। तो बाबू जी, क्या बुद्धि मन को बताती है कि ये हर्ष का कारण है या ये दुख का कारण है? देखो, अनेकों जन्मों के कर्मों के कारण जो संस्कार बने हैं ना, संस्कारों के कारण बुद्धि बनती है ना,
बुद्धि किसके आधारित बनती है? हम तो लोगों को देख के यही बोलते कि इसकी बुद्धि ही ऐसी है, माने उसके पुराने संस्कार ऐसे है इसलिए वो ऐसे एक्ट करता है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण बुद्धि उसकी ऐसी बनी, तमो प्रधान बुद्धि बनी है। तमो प्रधान बुद्धि बनने का कारण अनेकों जन्मों में तमो प्रधान कर्म किए हैं, और जब तमो प्रधान कर्म करते हैं तो बुद्धि खराब है और बुद्धि जजमेंट उल्टा लेती है और बुद्धि उल्टा कार्य करती है। तो बुद्धि उल्टा कार्य करती है तो मन मन भी उल्टा कार्य करता है ना, बुद्धि के आधार से मन लेता है ना। बुद्धि और मन अलग है, मन जजमेंट नहीं करता, बुद्धि जो कहती है वो मन मान लेता है, मन अपने दिल से नहीं पूछता। तो आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। इसलिए मन को कंट्रोल करो, और मन को कैसे कंट्रोल करो, आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में पावर नहीं है इसलिए मन कंट्रोल नहीं है, बेकाबू घोड़े की तरह भाग रहा है मन। इसलिए मन पावर हाउस से साथ कनेक्शन जोड़ने में लगाओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, वो पावर हाउस है, उच्चतम परम धाम में निराकार स्वरूप में है वो। और वो पावर हाउस है, निराकार स्वरूप ही पावर हाउस होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, परमा ब्रह्मांड हो, परम परमा ब्रह्मांड हो, या भेद की कला का परम धाम हो। तो मतलब ये निकल के आता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का कारण है, कोई पुत्र केवल आत्मज्ञान नहीं, आत्मा में पावर कहां से आएगा उसको कनेक्शन जोड़ना। केवल आत्मज्ञान नहीं, आत्मज्ञान ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सारी दुनिया जानती है, रूह भी जानते, मुसलमान रूह कहते हैं, क्रिश्चियन लोग सोल कहते हैं, नहीं जानते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो कर करके तो मर गए, सब आत्मा आत्मा कह के तो मर गए ना, किसी का उद्धार हुआ, किसी की मुक्ति हुई, जन्म मरण चक्र में आते रहते आते रहते आते रहते। और बेटा चाहिए बेटा, अरे छोड़ो सब, अब कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या बनो और पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, और मैं आत्मस्वरूप बनो, पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं आत्मा हो, आत्मा ही शरीर को चलाती है, और आत्मा माइंड के बीच में सेंटर पॉइंट में रहती है, अति सूक्ष्म परम प्रकाश से बनी आत्मा है। और आत्मस्वरूप बन के बेहद के परम कला के परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी से बेहद का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। हमारी कई वीडियो है, योग की वीडियो है, योग माना कनेक्शन, प्यार से पावर लो और पावर आएगी आत्मा में, पावर आएगी तो विकर्म विनाश हो जाएगा, मन भी ठीक हो जाएगा, मन को वहां लगाओ ऊंचे उच्च परम धाम में। बाबू जी, जैसे मनुष्य बैठे बैठे विचारों में जैसे कोई कल्पना करने लग जाता है, तो कल्पना भी मनुष्य को कितना विचलित कर देती है, जो भविष्य अज्ञात है उससे भय क्यों? देखो, मन कल्पना करता है ना, कभी कभी इस जन्म के पुरानी यादें तो उसके याद है ना, मगर जो पुरानी यादें नहीं है वो सबको सेस माइंड में तो भरा पड़ा है ना सब कुछ, तो कभी 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 बहुत गहरी सोच में चला जाता है। तो गहरी सोच में चला जाता है, जैसे निंद्रा में चला जाता है, तो निंद्रा में जो देखता है, सोचता है, कल्पना करता है, वो सब कॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है, उसी टाइम कॉन्शियस माइंड नहीं होता, और सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग अगले कई जन्मों की चीजें उसको मेमोराइज हो जाती है, और वो भयभीत बन जाता है, सपने में रोता सोता है, कई बार मैंने वीडियो बोला है। तो ऐसी तरह मन विचलित हो जाता है अपने कर्मों के कारण, इसलिए मन को लगाओ आत्मस्वरूप बनने में, और आत्मस्वरूप बनकर मन को लगाओ ऑलमाइटी अथॉरिटी के, तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, मन को उसमें लगा दो, तो पावर आएगा, तो पावर आएगा तो परम शांति मिलेगी, और परम शांति के वाइब्रेशन में लगाओ। मन को कहाँ लगाओ कि मन को बोलो तू परम शांति का जप किया करे, जप किया करो परम शांति, मन को लगाओ परम शांति के जप में, और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी की, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी माना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है सभी आत्माओं का, उससे कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में पावर आएगी, और मन को पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने में योग में लगा दो, अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करे ऐसा मन को डायरेक्शन दो, और आत्मा में पावर आएगी तो मन ऊपर में हो जाएगा, और ये दुनिया से हर की दुनिया से नष्ट मोह बन जाएगी, नष्ट मोह शुद्धि लब्धा हो जाएगी, इच्छा मात्र अविद्या हो जाएगी, और उसको ज्ञान आ जाएगा, वैराग आ जाएगा इस दुनिया में, और ये समझ में आएगा झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार समझ में आ जाएगा, और उसको ऊंचे उच्च परम धाम में जाना है तो पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, पावर आ जाएगी। ये हमारे कई वीडियो है, देखें, ज्ञान सागर में डूबे विचार सागर मंथन करें। तो ये पुरानी प्रथाएं और ये जो बातें, ये वो भक्ति, देखो हमेशा हर चीज बदलती रहती ना, आज राजाशाही चली गई, डेमोक्रेसी आई ना, आज ऊंच नीच सब एक आत्मा, सब एक समान बनने का टाइम आ गया ना, बिल्कुल सब एक समान बन गए ना आत्मा, चाहे कोई धर्म मठ पंथ संप्रदाय में जुड़ी हुई आत्मा है, मगर आज जो पहले जो था, जो बहुत पुरानी प्रथाएं चली आ रही थी, वो सब बदल रही है, दुनिया बदल रही है,
आज साइंस बदल रहा है, प्रूफ दे रहा है कि इतना गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स की डेफिनेशन तो साइंस दे रहे हैं। तो दुनिया ये 21वीं सदी है, ज्ञान का टाइम है, लौकिक ज्ञान हो चाहे अलौकिक ज्ञान हो चाहे पारलौकिक ज्ञान, ज्ञान में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है ना जो आप बता रहे हैं, जो अभी अध्यात्म को भी इस लेवल पे साइंस के साथ टैली करके आप बता रहे हैं। ये भी परिवर्तन का समय है कि आज ये ज्ञान लोगों को समझ में आने लगा है। जो बात आप 97-98 में बताते थे कि अनंत आनंद ब्रह्मांडों की बात, आज साइंस ने जब प्रूफ दिया, आज एक फोटो हमने मतलब ग्रुप में शेयर की थी जिसमें 15,000 गैलेक्सी को एक ही फोटो में नासा वालों ने कैप्चर किया और वो इंफ्रारेड फोटो जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में उन्होंने अपलोड की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं जानता था, वहाँ 15,000 गैलेक्सी का एक फोटो आना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आने वाले समय में जैसे आपने बताया है अपने फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के वीडियो में, लोगों को ये सब साफ दिखाई देगा कि अध्यात्म का जो रियल ज्ञान है वो क्या है और हम कैसे हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये सभी बात बापूजी के वीडियो से आप जानिए। ये वीडियो के एंड में लिंक आएगी द अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर्स और इंटरव्यू विद बापूजी, जिसमें 500 से अधिक वीडियो है बापूजी के। तो ये सब आप ही के लिए है कि हम कैसे अपनी आत्मा को बेहद की दुनिया में जहाँ से हम आए हैं वापिस हम वहाँ पहुँचा सके। बापूजी कुछ और कहना चाहेंगे? बस नहीं कि एक ही है, एक ही उपाय है सभी के पास जी। आत्मा में पावर चाहिए, आत्मस्वरूप बनो, स्वयं को पहचानो जी। ज्ञान शॉर्टकट ही है, दो शब्दों का ज्ञान। ठीक है बापूजी, आप अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, पावर आएगा और विकर्म विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, कर्मातीत हो जाएगी, आगे फ्यूचर अच्छा होगा, विश्व परिवर्तन होना ही है, होना ही है, और ज्ञान भी रिफाइन होता जा रहा है, ज्ञान आगे चलकर और भी रिफाइन होगा। चलिए, सीधा आत्मस्वरूप की अनुभूति का ज्ञान होगा फिर आगे चलकर। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बताया कि विश्व कल्याण के लिए सभी आत्माओं को अपने संकल्पों का दान करना चाहिए ताकि ये विश्व का वायुमंडल बदले, परम शांति का माहौल हर जगह फैले और दुनिया तक परम शांति का अनुभूति हो ताकि वो उस ज्ञान को जल्दी से जल्दी पकड़ सके। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद, परम शांति। परम शांति।